अमेरिका से तनाव के बीच चीन ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिससे अमेरिका बहुत ज्यादा चिढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिनों से जो चाइनीज आर्मी है और जो ग्लोबल टाइम्स है, इसमें ये दोनों मिलकर एक मूवी बना रहे हैं जिसमें जो PLAF है वो एक्टर का काम कर रही है और ग्लोबल टाइम्स डायरेक्टर का काम उसमें कर रहा है। क्योंकि आपको पता है इतने सारे वीडियो ये लगातार डेली इतने वीडियो बना रहे हैं कि भारत में जो टिकटॉक स्टार की तरह ये शॉर्ट वीडियो जारी कर रहे हैं लगातार। तो इस बार चीन ने गुआम नेवल बेस पर हमले का वीडियो जारी किया है और दोस्तों इसमें दिखाया है कि किस तरह से चीन का H-6 परमाणु बॉम्बर, जो अमेरिका का गुआम नेवल बेस है जो कि भारत के बहुत ज्यादा करीब पड़ता है, उस पर हमला कर रहा है और उसमें बमबारी करते हुए इस H-6 बॉम्बर को दिखाया है। और चीन बस सड़क 2 के ट्रेलर की तरह वीडियोस जारी कर रहा है और लगता है भारत या अमेरिका इसे असली फिल्म दिखाकर रहेंगे। और इस वीडियो को पूरा प्रोफेशनल तरीके से बनाया जा रहा है चाइना की तरफ से, मतलब पूरे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाए जा रहे हैं और तरह तरह की पूरी एडिटिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप कोई आर्मी का वीडियो नहीं, आप जो एक मूवी होती है आपको पता है कि मूवी में किस तरह से दिखाया जाता है नमक मिर्च लगाकर, उस तरह से चाइना अपनी जो जो एयरफोर्स और नेवी आर्मी है उनको इस तरह से वो दिखा रहा है। और दोस्तों अभी इस वीडियो पर जो अमेरिका का विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। हालांकि एक बात तो है, वे चिढ़े बैठे होंगे इस बात को लेकर, चीन केवल जो माइंड गेम खेल रहा है और अपनी लंबी दूरी तक मार कर सकने वाली जो खोखली क्षमता है उसको दर्शाने में लगा है। देखिए दोस्तों, जिस देश के पास पावर होती है या फिर मतलब आपके पास पावर है, पैसा है, सब है, तो आपको दिखाने की जो जरूरत है वो नहीं है, क्योंकि दुनिया है उसको पता चल जाएगा कि आपके पास पावर भी है, पैसा भी है, मतलब आपके पास सब कुछ है। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आपको दिखावा करना पड़ता है उस चीज के लिए जो आपके पास है ही नहीं। जैसे कि चाइना के पास जो उसकी आर्मी है और जो मतलब इतना पैसा है, पैसा होने के बावजूद भी वो अपनी सेना को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वे लगातार केवल दिखावा कर रहे हैं अपनी पावर का। तो दोस्तों वैसे इस वीडियो में गुआम बेस पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों के जो रिटेलिएट है उनको नहीं दिखाया गया है, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिकी सैनिक बख्खियां उधेड़ कर रख देंगे चाइनीज बॉम्बर्स की। और दोस्तों ऐसे ही कुछ वीडियो कुछ दिन पहले जो चाइना का एक और चमचा बना था ईरान, उसने भी जारी किए थे। और दोस्तों उसमें उसने दिखाया था कि किस तरह से जो ईरान की नेवी है उसने अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्स को कितनी आसानी से अपनी जो मिसाइल है उससे मार गिराया। और दोस्तों ऐसे वीडियो जारी करने से कुछ होता तो नहीं है, केवल तनाव बढ़ता है। तो ऐसे में चीन ने भी जिस गुआम बेस पर ये हमले का वीडियो जारी किया है, तो भला वहां पर अमेरिका के एयरफोर्स, एयर डिफेंस सिस्टम और B-2 बॉम्बर जैसा एडवांस, दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर वहां पर तैनात है, तो चीन ये सब करके क्या साबित करना चाहता है पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है। हालांकि चीन केवल अपनी जनता को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है। मुझे ऐसा ही लगता है कि ग्लोबल टाइम्स और जो PLA है वो मिलकर एक मूवी शूट कर रहे हैं, वो खास तौर पर बना रहे हैं शी जिनपिंग के लिए। और दोस्तों ऐसे में वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं शी जिनपिंग और वहां की जनता को खुश करने के लिए, तो ऐसे में वे कर रहे हैं, तो उनके लिए तो अच्छी बात है यार, मतलब करने तो थोड़ा बहुत, मतलब वे भी खुश हो जाएंगे वहां की जनता की, हमारी सेना इतनी बड़ी है, प्रोफेशनल है, और मतलब पूरा दबदबा उनको अपनी जनता में बनाना है। और जो शी जिनपिंग है वो तब छूट दे रहे हैं क्योंकि अगर वे छूट नहीं देंगे तो उनकी जो इमेज है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगी और इस कारण से जो उनकी सत्ता में उनकी कुर्सी है उस पर बहुत ज्यादा बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर अमेरिका चाहे तो इसका भी रिटेलिएट कर सकता है। चीन जिस तरह से अमेरिका के जो बॉम्बर हो गए, फाइटर जेट हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, उनको रोकने में तो नाकाम रहता है, बस ऐसे वीडियो जारी करके वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहता है। अगर चाइना में इतना दम है तो अमेरिका के जो फाइटर जेट उसके अंदर घुस जाते हैं उनको रोक के दिखाए, तब पता चलेगा असली वीडियो क्या होती है और असली ट्रेलर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मैंने किए हुए यानी वीडियो डाली थी, जिसने भी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। और उस वीडियो पर मैंने लाइक एम किया था 150, मुझे 150 लाइक चाहिए अगर आपको अगले जो Q&A वीडियो है वो देखनी है। जब उस वीडियो पर जो वो लाइक एम है वो कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं अगली वीडियो डालूंगा। और दोस्तों
रही बात कि अगर आप लाइक करते हैं तो आप वीडियो के एकदम खोलते ही भी ओपन करते ही वीडियो को ना लाइक किया करें, क्योंकि वे लाइक स्पैम में चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।